नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी प्रिपरेशन चल रही है रीजनिंग की। रीजनिंग में हम नंबर सीरीज देख रहे हैं। आज मैं आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन कराऊंगी जिसको करने के बाद किसी भी एग्जाम में आप अटकेंगे नहीं। तो हम पहले देखते हैं कि नंबर सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या फिर इम्पॉर्टेंट हम रूल बोलें कि जिसको याद रखने से हमारा हर नंबर सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो फर्स्ट रूल हमारा ये कहता है कि अगर चेंज जो है, जो भी सीरीज हमको दे रखी है, उस चेंज अगर वो स्लो है और हमारा अगर वो ग्रेजुअल है, धीरे धीरे कोई चीज़ चेंज हो रही है, नंबर सीरीज चेंज हो रही है, तो उसमें 100% क्या चल रहा होगा, कुछ ना कुछ क्या चल रही होगी, डिफरेंस सीरीज चल रही होगी। मीन्स कुछ सब्ट्रैक्शन करके हमारे हम नई डिजिट्स हम निकाल सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 20 है, 19 है, 17 है, 14 देन 10। अगर हम इसमें देखें तो इसका जो चेंज है वो क्या है, स्लो और ग्रेजुअल है। तो इसमें -1 का डिफरेंस है, इसमें -2 का डिफरेंस है, इसमें -3 का डिफरेंस है, इसमें -4 का डिफरेंस है। तो अगर हम इसको देखें तो अगर स्लो और ग्रेजुअल है, स्लो और ग्रेजुअल चेंज जहाँ पे भी होगा वो सीरीज में क्या रहेगा, हमारा डिफरेंस रहेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल कहता है अगर हमारा चेंज जो है वो इक्वल और शार्प है तो हमारे कुछ ना कुछ क्या चल रहा होगा, रेशियो चल रहा होगा। अगर चेंज हमारा क्या है, चेंज हमारा शार्प है और उसमें क्या आ रहा है, उसमें क्या होता है, फिर हमारा रेशियो चलता है, वो हमारे किसकी सीरीज चलती है, रेशियो सीरीज चलती है। अब इसको हम किस तरह के एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे 4 है, 8 है, 16 है, 32 है और 64 है। तो अगर इसमें शार्प चेंज आया, 4 से 8 आ रहा है, 8 से 16 हो रहा है, 16 से 32 और 32 से 4, तो इसमें सीरीज चल रही होगी हमारी कुछ ना कुछ रेशियो की। तो अगर इसको हम इंटू 2 करें तो हमारा 8 आएगा, इसको 8 को 2 जा हमारा 16 होता है, 16 2 जा 32 होता है और 32 2 जा हमारा क्या होता है, 64। तो ये हमारी क्या है, सीरीज है। इसी तरीके से अगर हम थर्ड उसमें रूल देखें तो थर्ड रूल कहता है अगर हमारी सीरीज इनिशियली शार्प है, मीन्स इनिशियली तो क्या है, हमारी शार्प सीरीज चल रही है और उसके बाद क्या हो जाती है, वो स्लो हो जाती है, तो हमारा कुछ ना कुछ वहाँ पे क्या चलता है, स्क्वायर और क्यूब की फॉर्मेट में चल रहा होता है, स्क्वायर और क्यूब। तो इनिशियली शार्प और बाद में क्या हो, स्लो डाउन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर या फिर क्यूब की सीरीज। जैसे 4 है, 40 है, 65, 81, 90 और 94। अगर हम इसमें देखें तो इसका डिफरेंस कितना है, 36। इन दोनों का डिफरेंस देखें तो ये 25 का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस हमारा 16, इन दोनों का डिफरेंस 9 और इन दोनों का डिफरेंस हमारा 4। तो ये 36 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर, ये हम 5 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हम 4 के स्क्वायर में, 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर और 4 क्या है, 2 का स्क्वायर। तो ये किसकी टर्म्स में चल रहा है, स्क्वायर की टर्म में चल रहा है। तो अगर हमारा शार्प है इनिशियल, धीरे धीरे डिफरेंस कम हो रहा है, तो वो किसकी हो सकती है, क्यूब या फिर स्क्वायर की फॉर्मेट में हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रूल 4 हमको कहता है, रूल 4 हमारा होता है कि अगर सीरीज हमारी ऑल्टरनेटिंग है, मीन्स सीरीज हमारी क्या चल रही है, ऑल्टरनेटिंग चल रही है। अगर ये चारों चीज़ें आप याद रखेंगे तो नंबर सीरीज आपकी बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगी। ऑल्टरनेटिंग सीरीज है या फिर उसको हम कहें कि आइदर वो क्या चल रही है, मिक्स्ड फॉर्म में चल रही है, तो हमारी क्या होती है, दो अलग अलग पैटर्न उसमें चल रहे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लें, 2, 5, 4, 10, 8, 15, then 16। अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो हम देखें यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको अगर हम देंगे तो ये मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा क्या होता है, 4, 4 2 जा क्या होता है, 8, और 8 2 जा क्या होता है हमारा, 16। और यहीं हम इसको देखें, 5 और 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें हम 5 ऐड करें या फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करें। इसको अगर हम देखें तो 5 इसमें हम क्या ऐड करें, 10 प्लस 5 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15। इसमें भी 5 प्लस 5 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा नंबर क्या होना चाहिए, इसमें 15 प्लस 5 करेंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, इसमें 20। तो 20 हमारा क्या होगा, नेक्स्ट नंबर होगा। तो जिसमें क्या है, दो अलग अलग पैटर्न चल रहे, एक मल्टीप्लीकेशन चल रहा है और एक हमारा क्या चल रहा है, कुछ ना कुछ टर्म्स की एडिशन चल रही है। तो इन चारों रूल्स को हम ध्यान रखेंगे और इसी रूल्स पे हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं सबसे पहले, क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 है हमारे पास 5,
11, 7, 25, 33, 43 और नेक्स्ट हमको निकालनी है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका हम देखते हैं कि हम इसको किस पैटर्न से करें कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आ जाए। तो सीरीज कैसी है, सीरीज यहाँ पे इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ देन इंक्रीज हुआ, ये 17 है ना कि 7। तो 5, 11, 17, 25, 33 और 43। तो अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो 5 और 11 का डिफरेंस हमारा कितना है, +6 का। 11 और 7 में कितना डिफरेंस है, +6 का। 17 और 25 में हमारा डिफरेंस है +8 का। 25 और 33 में हमारा डिफरेंस है +8 का। और 43 और 33 में डिफरेंस हमारा +10 का। इट मीन्स यहाँ पे दो टर्म्स में हमारा डिफरेंस चला +6 का, दो टर्म में डिफरेंस चला +8 का, दो टर्म में अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या चलना चाहिए, +10 का। मीन्स इवन नंबर में क्या चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है। तो 43 है, तो 43 में अब हम क्या करें, 43 +10 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 53। तो हमारी जो नेक्स्ट नंबर होनी चाहिए वो क्या है हमारी, 53। इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको इसमें समझ में आएगा कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 2, 5, 10, 17, 26, देन 37 और हमको नेक्स्ट नंबर निकालना है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। तो 2 और 5 का अगर हम डिफरेंस देखें तो ये कितना है, +3 का। 5 और 10 का डिफरेंस जो हमारा है ये कितने का डिफरेंस है, ये +5 का डिफरेंस है। इन दोनों में +7 का डिफरेंस है। इन दोनों में अगर हम देखें तो 17 और 26 में डिफरेंस कितना है, +9 का। और 26 और 37 में अगर हम डिफरेंस देखें तो ये डिफरेंस हमारा +11 का। तो हम यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है, ये ऑड नंबर है, ये सारे क्या है हमारे ऑड नंबर। इन दोनों का डिफरेंस है +2, इसका डिफरेंस है +2, इसका डिफरेंस है +2, ये डिफरेंस है +2। तो नेक्स्ट डिजिट भी क्या होनी चाहिए, +2। तो मीन्स नेक्स्ट डिजिट हमारी क्या होनी चाहिए, +13 के डिफरेंस पे होनी चाहिए। तो +13 के डिफरेंस पे अगर हमारी है तो हम क्या करें, 37 में 37 प्लस हम क्या करें, 13 करें। तो 13 करने ऐड करने पे क्या आएगा, 7 +3 क्या होता है, 10, कैरी ओवर चलेगा तो ये कितना बन जाएगा, 50। तो नेक्स्ट जो हमारा नंबर होगा वो यहाँ पे क्या होगा, 50 होगा। तो नेक्स्ट नंबर हमारा कैसे निकला, 50। 50 कैसे निकला, हमने यहाँ पे डिफरेंस देखा, ये डिफरेंस क्या था, स्लोली और ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा था, स्लोली और ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा था। तो डिफरेंस चीजें चलती है, या तो एडिशन में होगा या फिर डिफरेंस में होगा। तो यहाँ पे एडिशन करके हमारी चीजें सॉल्व आउट हो गई। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 हम लेते हैं 4, 7, 11, 18, 29, 47। देन हमको नंबर निकालना है, फिर नेक्स्ट डिजिट हमको दे रखी है 123, देन 199। ये क्वेश्चन है हमको, अब इसको सॉल्व करना है कि इसमें किस पैटर्न पे चीजें चल रही हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे स्लोअर ग्रेजुअली, 4 से 7 हो गया, 7 से 11, 11 से 18। तो यहाँ पे प्लस का और क्या चल रहा है, कुछ ना कुछ डिफरेंट चल रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं 4 और 7 में डिफरेंस कितना है, +3 का डिफरेंस है। 3 और 7 का डिफरेंस कितना होता है, +4 का डिफरेंस है। 11 और 18 का डिफरेंस कितना है, +7 का। 18 और 29 में डिफरेंस है 11 का। 29 और 47 में डिफरेंस है हमारा 18 का। तो यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि यहाँ तक का डिफरेंस है, बीच की डिजिट हमको पता नहीं है। और इसका डिफरेंस अगर हम देखें तो ये डिफरेंस हमारा है 76 का, क्योंकि 199 में से 199 माइनस 123 करते अगर हमारा, तो डिफरेंस कितना आता है, 76। तो ये डिफरेंस हमारा आ गया 76। तो यहाँ से अब हमको पैटर्न पकड़ना पड़ेगा कि ये आया कैसे, 3 का डिफरेंस 4 का डिफरेंस, ना तो इवन है ना ऑड है, फिर 7 का डिफरेंस, फिर ऑड नंबर आ गया, फिर 11, फिर 18। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग चीज चल रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 3 है 7 है, तो 7 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 7 का डिफरेंस पहले के डिजिट में देखें तो 3 प्लस 4 अगर करें तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 7 आ रहा है। फिर अगर हम 11 को देखना चाहें तो 11 कैसे लिख सकते हैं, 4 प्लस 7 का जो डिफरेंस है उसको मिला के हमारा क्या रहा है, 11 डिफरेंस आ रहा है। 18 कैसे आया, 11 प्लस 7 जो प्रीवियस डिफरेंस था उसको ऐड करके हमारा क्या गया, 18 आ गया। तो यहीं पे कुछ एडिशन चलना चाहिए था, तो यहाँ पे 3 प्लस 4 हुआ, यहाँ पे 4 प्लस 7 हुआ, यहाँ पे 11 प्लस 7 हुआ। तो नेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, नेक्स्ट हमको दे रखा है 18। तो 18 हम कुछ करें, 18 में हम क्या ऐड करें, 18 में हम कुछ ऐसा ऐड करें कि हमारा डिफरेंस
क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे 18 दे रखा है, तो जो नेक्स्ट जगह हम देखें, तो जैसे 4 था, 4 में 3 ऐड करा, तो हमारा अगर हम यहाँ से इसको देखते हैं तो हमारी नेक्स्ट डिजिट कैसे निकल रही है, 4 + 3 हमने करा तो हमारा आ गया 7, फिर 7 में हमने 4 ऐड किया तो हमारा आ गया 11, फिर हमने 11 में क्या ऐड करा, 11 में 7 ऐड करा तो हमारा आ गया 18। इसी तरीके से 18 में अगर हमने 11 को ऐड कर दिया तो हमारा आ गया आंसर 29। तो इसी तरीके से 47 में हम क्या ऐड करें, 47 में अगर हम 18 को ऐड कर देते तो 47 प्लस अगर हम 18 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 47 ये रहा, इसको हमने ऐड करा तो यहाँ पे 18 प्लस हमने क्या करा 11, तो हमारा आंसर आ गया 29। तो 29 सॉरी 29 प्लस अगर हम 18 कर दे तो हमारा आंसर कितना आता है 47। तो 47 में अब हम क्या करेंगे, प्रीवियस जो डिफरेंस है उसको ऐड करेंगे, तो 47 हम अगर हमने कर लिया तो 47 यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा 3 का डिफरेंस आ गया, 4 का डिफरेंस आ गया, 7 का आ गया, 11 का आ गया, 18 का आ गया, और ये डिफरेंस कैसे आ रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 47 हमारे पास है और हमको क्या करना है, यहाँ पे ये जो नेक्स्ट डिजिट हमको दे रखी है वो हमारी है 123। तो यहाँ पे हमको नंबर निकालना है कि कैसे हमारा 123 आएगा। तो 123 का यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे जो टर्म है वो टर्म और ये टर्म का डिफरेंस ऐड होके हमारे पास नंबर आ रहा होगा जो हमको यहाँ पे सॉल्व आउट करना है। तो हमारा नेक्स्ट नंबर कैसे निकलेगा, अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारा हमको निकालना है यहाँ पर, तो 18 में प्लस हम x करें तो हमारा कुछ ना कुछ डिफरेंस आना चाहिए जो हमारी यहाँ पे डिजिट होगी, वो डिजिट हमको निकालनी है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, ये डिफरेंस हमारा है 76 का, तो हम यहाँ पे देखो ये चीज हमको पता ही क्या है 76। तो 76 कैसे आएगी, 76 आएगी कि यहाँ पे जो नंबर है प्रीवियस जो नंबर है उसको ऐड करके, 18 कैसे आया 11 और 7 को ऐड करके। इसी तरीके से ये नंबर कैसे आएगा, ये नंबर आएगा इन दोनों को ऐड करके, तो 11 प्लस 18 अगर हम करते हैं तो ये x जो है यहाँ पर जो x यूज होगा, तो 11 प्लस अगर हम 18 करते तो हमारा आंसर कितना आएगा 29। तो मींस ये डिफरेंस हमारा क्या होना चाहिए 29 होना चाहिए। 29 क्यों होना चाहिए, क्योंकि पहले के डिफरेंस को ऐड करके हमारी टर्म बन रही, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 29 होना चाहिए। तो 29 अब किस में ऐड होगा 47, तो 47 प्लस 29 अगर हम करते हैं तो हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा वो कितना होगा 76। तो मींस यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए हमारा 76 होना चाहिए। अब इसको चेक करते हैं कि 76 सही है कि नहीं है। तो 76 में हम क्या ऐड करें कि 123 आ जाए, तो हम यहाँ पे लिख रही हूँ इसको 76 अगर हम करते हैं, 76 प्लस एक्स करते हैं तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए 123। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो 123 में से अगर 76 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 47, जो कि सही है। तो 123 में से 76 माइनस करते हैं तो हमारा 47 आंसर आ रहा है, और इन दोनों को ऐड करने पर हमारी नेक्स्ट डिजिट आ रही 29। 29 किस में ऐड होगा 47 है, 29 प्लस 47 करेंगे तो हमारी नेक्स्ट डिजिट क्या जाएगी 76। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा पूरा, ये कैसे चल रहा है, पहले के जो प्रीवियस डिफरेंसेस है हमारे उनको हम ऐड करते जा रहे हैं तो हमारी डिजिट निकल रही। तो हमने यहाँ पे करा 3 + 4 करा तो 7 आया, 7 + 4 करा 11 आया, 11 + 7 करा 18 आया। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा कैसे आएगा, 11 प्लस 18 करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 29। तो वो 29 किस में ऐड होगा 47 है, 47 प्लस 29 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 76। तो हमारी मिसिंग नंबर जो है वो इसमें क्या है 76। इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आने चाहिए जो एग्जाम में इसी तरीके से आते हैं, और आपको बिल्कुल दिमाग लगा के इसमें देखना है कि कंसंट्रेशन से हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास है 3, 9, 6, 36, then 30। अगर हम देखें तो ये नंबर सीरीज क्या है, 3 है, 9 है, फिर 6 है, फिर 36 है, फिर 30 है। तो मींस कुछ इंक्रीज हो रहा है, कुछ डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कॉम्बिनेशन चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखते तो ये इंक्रीज है, फिर ये डिक्रीज है, फिर ऑल ऑफ सडन ये इंक्रीज हो गया, फिर ये डिक्रीज हो गया। तो अगर हम देखें तो 3 3 क्या होता है हमारा 9, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 3 क्या है हमारा 9। तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं ये क्या है मल्टीप्लाई बाय 3 करके आ रही है। फिर अगर हम देखें 9 से हमको क्या लाना है 6, तो हम क्या करेंगे आंसर क्या आएगा माइनस का 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 9 से 6 आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है माइनस का 3। फिर देखें 6 से 36 कैसे आ रहा है, तो 6 6 क्या होता है हमारा 36, तो ये क्या हुआ मल्टीप्लाई बाय 6। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो 36 में से 30 जा रहा है, तो ये डिफरेंस कितना है 6 का, तो ये कितना डिफरेंस हो माइनस कर सकते हो क्योंकि डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, पहले मल्टीप्लाई बाय 3, फिर माइनस 3, फिर मल्टीप्लाई बाय 6, फिर माइनस 6। तो ये किस तरीके से फॉर्मेट चल रहा है, 3 से मल्टीप्लाई 3,
फिर 3 2 6, फिर क्या होना चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किससे आना चाहिए, 9 से, माइनस भी किससे होना चाहिए, नेक्स्ट टर्म 9 से। तो अगर हम इसको देखते हैं तो 39 जब हमको निकालना पड़ेगा, तो 39 जब हमारा क्या होता है 270, तो 270 हमारी क्या होगी, नेक्स्ट नंबर होगी 270 जो इसका आंसर है। 270 कैसे आया, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3, मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 6, मैंने 9 ही क्यों लिया, अगर 3 के टेबल से देखे तो 3 बन जा, फिर 3 2 जा, फिर 3 3 जा होना चाहिए, 3 3 जा हमारा क्या होता है 9, तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर नेक्स्ट जो होना चाहिए वो 9 होगा, और 27 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे नेक्स्ट नंबर और निकल जाएगा, ये पैटर्न यहाँ पर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 हम देखते हैं, 0.5, 1.5, 5, 18, 76, देन हमको मिसिंग नंबर है, फिर हमारे पास है हमको निकालने की मिसिंग नंबर हमारा क्या होना चाहिए। तो अगर हम इसको देखते हैं तो 1 से 0.5 से हमको क्या लाना है, 1.5 लाना है, तो हम क्या करें, 0.5 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर आता है 0.5, प्लस इसमें 1 ऐड कर दे तो हमारा क्या बन जाता है 1.5। फिर अगर हम 1.5 लें, 1.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा क्या हो जाता है 3, 3 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाता है 5। फिर हमारे को 5 दे रखा है, 5 को मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो आंसर कितना हो जाता है 15, 15 में हम क्या ऐड करें कि 18 बन जाए, 15 प्लस 3 हमारा क्या हो जाता है 18। तो यहाँ पे आप देखो 0.5 पहले 1 हमने 1 से मल्टीप्लाई करा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करा। यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको नोटिसेबल रहे कि यहाँ पे चीजें क्या चेंज हो रही है। पहले मल्टीप्लाई 1 से करा, फिर 2 से करा, फिर 3 से करा, ऐड क्या करा 1 करा, 2 ऐड करा, 3 से ऐड करा, मीन जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी को हम क्या कर रहे हैं, एक एक नंबर इंक्रीज करते हुए ऐड करते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट भी हमारा क्या होना चाहिए, 18 को हम क्या करें, 18 को हम मल्टीप्लाई करें 4 से, तो 18 4 जो होता है हमारा 72, और 72 में क्या ऐड करें 4 ऐड करें तो हमारा आंसर क्या जाता है 76। तो नेक्स्ट नंबर हमारा कैसे निकल 76, 4 बार तो 2 हो गया, अब क्या होना चाहिए 5, तो 76 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो 380 आता है, 380 में अगर हम 5 को ऐड करते तो हमारा आंसर क्या जाता है 385। तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो हमारा क्या होना चाहिए 385। ये कैसे निकला, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से निकला, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इंक्रीज हो रहा है और उसके साथ कुछ ना कुछ का चल रहा है, एडिशन चल रहा है, उस चीज को नोटिस करते हुए हमने सीरीज को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरीके से पेपर पैटर्न एग्जाम में रहेगा और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे लें। तो क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं, 198, 202, 211, देन 227, देन हमको निकालनी मिसिंग नंबर। तो हम मिसिंग नंबर इसमें हम कैसे निकालें, सबसे पहले हम सीरीज का देखेंगे, सीरीज का पैटर्न क्या कह रहा है, ये क्या है स्लोली और ग्रेजुअली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम इसका डिफरेंस देखें 198 और 202 में डिफरेंस कितना है 4 का, 202 और 211 में डिफरेंस है 9 का, और 227 और 211 में डिफरेंस है 16 का। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 3 को हम लिख सकते हैं 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होगा तो डिफरेंस कितना होना चाहिए 25। तो कैसे निकालेंगे हम 227 में हम क्या ऐड करें, 227 में हम ऐड करेंगे 25, तो 25 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या बन जाएगा 252। तो हमारा नेक्स्ट डिजाइन हमारा जो नंबर होगा वो क्या होगा 252, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा इस सीरीज का मिसिंग नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 हम लेते हैं, 7 1/7। अब ये क्वेश्चन देखो कितना ट्रिकी है, देखने में आपको टफ लगेगा लेकिन जब इसको मैं सॉल्व करूंगी तो आपको लगेगा ये सिर्फ नजर की बात है, हम नजर से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 12 2/4, देन 16 2/3। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में दे रखा है तो आप इसको एक नंबर में लिख लीजिए, तो अगर हम इसको सॉल्व करते तो ये कितना है 50/5, इसको देखें तो ये है 50/6, ये है हमारा 50/5, ये है हमारा 50/4, और ये है हमारा 50/3। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होना चाहिए ऑब्वियसली 50/2। देखो कितना इजी, देखने में टिपिकल लग रहा था लेकिन हमने जब इसको न्यूमेरिकली सॉल्व किया तो हमारे सीरीज में क्या 50 तो ऊपर चल ही रहा है, 5 6 नंबर ये हमारे क्या होते हैं डिक्रीज होते जा रहे हैं। पहले आया हमारा 50/7, ये हमारा 7 है, 7 6 5 4 3, तो हमारा नेक्स्ट क्या होना चाहिए
टू होना चाहिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूरा चल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 हम लेते हैं, हमको दे रखा है 8, 3, 11, 14, then 25। ये नंबर क्या है, पहले डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, देन इंक्रीज हुआ। अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं, अगर हम इसमें पैटर्न देखें तो 11 हमको दिख रहा है यहाँ पे, 8 प्लस 3 अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर क्या जाता है, 11 आ जाता है। अगर हम 11 में 3 ऐड करते तो हमारा 14 आ जाता है, और 14 प्लस अगर 11 कर दे तो हमारा आंसर 25 आ जाता है। मींस नेक्स्ट नंबर हमारा कैसे आना चाहिए, अगर हम ऐड करें 14 प्लस 25 को अगर हम ऐड करें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 39। तो यहाँ पे जो नंबर डिजिट मिसिंग है वो डिजिट क्या हमारी, 39। तो 39 क्या इसका आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 लेते हैं हम, क्वेश्चन 9 है हमारे पास 1, 6, 21, 66। देन हमको नंबर मिसिंग निकालना है कि मिसिंग नंबर हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन हमको दे रखा है। तो अगर हम इसमें डिफरेंस देखें तो 1 और 6 का डिफरेंस हमारे पास प्लस 5, 6 और 21 का डिफरेंस हमारा प्लस 15, और 21 और 66 का डिफरेंस देखें तो ये प्लस 45। तो हमारे यहाँ पे अगर हम देखें तो 15 कैसे आ सकता है, अगर यहाँ पे देखें तो 5 थ्री जा अगर हम करें तो हमारा आंसर कितना होता है, 5 थ्री जा होता है हमारा 15, और 15 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 15 थ्री जा हमारा क्या होता है, 45। तो यही पैटर्न हमारा आगे चलना चाहिए। तो ये कैसे आया, ये आया पहले को मल्टीप्लाई करके 3 टाइम्स, 45 कैसे है जब हमने 15 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा। तो यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस आना चाहिए, ये जो डिफरेंस है वो कैसे आएगा, जब हम 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 3 जा क्या होता है हमारा 135। तो जो यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए वो कितना डिफरेंस होना चाहिए, 135 जो यहाँ का डिफरेंस है, मीन्स 5, 15, 45, ये डिफरेंस हमारा क्या होना चाहिए, 145। तो ये डिफरेंस कैसे निकलेगा, 66 में हम क्या ऐड करें, 135 ऐड करें तो हमारी क्या आ जाएगी, ये वाली जो मिसिंग नंबर है वो आ जाएगी। जब हम 66 में 135 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 201। तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो हमारा क्या है, 201। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 2, 10, 30 देन 68, देन हमारे पास मिसिंग नंबर है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मिसिंग नंबर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, 2 दे रखा है, 10 दे रखा है, 30 दे रखा है, 68 दे रखा है, मीन्स यहाँ पे इंक्रीजिंग स्लोली ग्रेजुअली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्क्वायर की टर्म्स या फिर क्यूब्स की टर्म्स चल रही होगी। 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम 3 का क्यूब प्लस 1 करें तो आंसर क्या आता है, 2। इसी तरीके से अगर 2 का क्यूब प्लस हम 2 करें, मीन्स क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारा, 10। इसी तरीके से 30 को लिखने का तरीका, 3 का क्यूब प्लस 3 करें, मीन्स 27 प्लस 3 अगर हम करते तो हमारा आंसर कितना आता है, 30 आता है। इसी तरीके से अगर हम 4 का क्यूब प्लस 4 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 64 प्लस 4 करते हैं तो आंसर आता है हमारा 68। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हमको करना पड़ेगा तो क्या होगा, 5 का क्यूब प्लस 5 होना चाहिए क्योंकि सब क्यूब्स में चल रहे हैं, तो 5 का क्यूब प्लस 5 तो 125 प्लस 5 करेंगे तो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, 130। तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो हमारा क्या होगा, 130। तो 130 क्या हमारा आंसर है जो हमको यहाँ पे मिसिंग टर्म में लाना है। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, यही पेपर पैटर्न्स में रहते हैं। आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहे हमारे वीडियो के साथ, रीजनिंग में बने रहें और हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपको वीडियो साथ, और ये हमारा क्या होता है, 42 का स्क्वायर। लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या है, ये हमको मिसिंग नंबर यहाँ पे निकालनी है। तो इसका डिफरेंस देखें तो ये डिफरेंस है प्लस 8 का, ये डिफरेंस है प्लस 10 का, और ये डिफरेंस है प्लस 12 का। इट मीन्स ये डिफरेंस 2 का है, ये डिफरेंस क्या है, प्लस 2 का। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, पहले 2 का माइनस 2 करेंगे तो 8 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे टर्म क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए प्लस 6 का। ये 6 कैसे निकाला मैंने, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग प्लस 2 का डिफरेंस चला, तो पहले वाली डिजिट क्या होगी, माइनस 2 के डिफरेंस में, तो 8 माइनस 2 क्या होता है, 6। अब 6 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे क्या है, इन दोनों के डिफरेंस जो है उन डिफरेंस का है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या है, 6 का। तो 12 माइनस 6 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे कैसे निकलेगा डिफरेंस, 12 माइनस 6 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे क्या है, 6। तो जो डिजिट आनी चाहिए वो यहाँ पे क्या आनी चाहिए, 6।
तो 6 का स्क्वायर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 36, तो हमारा आंसर क्या होगा 36। कैसे आया? 8 माइनस 2 करा, 8 माइनस 2 को करा कि प्रोग्रेसिव जो डिफरेंस था +2 का था, तो 8 माइनस 2 करा तो हमारा क्या गया 6। अभी 6 किस कैसे आएगा, हमको नंबर ऑफ टर्म देखने की, नंबर टर्म कैसे आएगी, तो यहाँ पे 12 कैसे आया, 20 में से 8 माइनस करा तो 12 आया, 30 में से 10 माइनस करा तो 20 आया, तो इसी तरीके से 12 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 6। तो 6 का भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा डिफरेंस 36। तो देखो अब इसका डिफरेंस हम दोबारा देखें तो 6 और इसका डिफरेंस कितना होता है 2 का 4, तो यहाँ पे +4 का डिफरेंस, +6 का, +8 का, +10 का और +2 का 12 का डिफरेंस हमारा चल रहा है, और एक डिफरेंस जो है उनका क्या चल रहा है ऊपर स्क्वायर चल रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, इनके आप प्रैक्टिस करें ताकि आप देखते समझ जाएं कि हमारे को इन स्क्वायर में क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्यूब में करना है, कि हमको एडिशंस में करना है। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है 3, 6, 9, 15, 24, 39, then 63, और फिर हमको निकालनी है एक मिसिंग टर्म। अभी मिसिंग टर्म कैसे निकलेगी, सबसे पहले हम सीरीज को समझते हैं कि सीरीज है क्या, 3 और 6 में, फिर 9 है, फिर 15 है, तो ये स्लो और ग्रेजुअली हो रहा है, मीन्स कुछ ना कुछ एडिशन चल रहा है स्क्वायर रूट्स और क्यूब में नहीं, क्योंकि 6 का अगर देखें तो 36 आना चाहिए, 3 का देखें तो यहाँ पे 9 में ऐसा कुछ टर्म्स आनी चाहिए थी जस्ट उसके नियर बाय। तो अगर हम देखें तो हमको क्या दे रखा है, 3 प्लस 6 अगर हम करते तो हमारा क्या आता है 9 आता है, 6 प्लस 9 अगर हम करते तो हमारा नंबर क्या आता है 15, और 9 प्लस 15 अगर हम करते तो हमारा आंसर क्या आता है 24, जो हमको नेक्स्ट डिजिट दिख रही है। तो इसी तरीके से 24 प्लस 15 अगर हम करते हैं तो हमारा 39 आता है, 24 प्लस 39 अगर हम करते तो हमारा क्या आता है 63, तो नेक्स्ट डिजिट कैसे आएगी, 63 प्लस 39 अगर हम कर दे तो हमारा आंसर कितना आएगा 102। तो जो यहाँ पे मिसिंग नंबर है वो क्या है 102। मैंने कैसे ट्रिक लगाई, 9 दे रखा तो इन दोनों को ऐड करने पे मेरा 9 आ रहा है, फिर इन दोनों को ऐड करने पे 15 आ रहा है, फिर इन दोनों को ऐड करने पे 24, इन दोनों को ऐड करने पे 39। तो ये आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे फिर आपको देखते ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि इसमें क्वेश्चन में हमको ट्रिक क्या अपनानी है।